ओके गाइस, एमएस लॉ सिटी 5 ईयर्स का पेपर हो गया है और उसमें से ये समझ में आया है पेपर लिख के कि 3 ईयर्स में क्या क्या आ सकता है। तो ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भाई, जितने लोग 3 ईयर्स वाले हो, ये वीडियो देख रहे हो, जो जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा और अच्छे से फॉलो कर लेना। मैंने जितना भी अभी तक बताया हुआ है वो सब चीज़ें आपके एग्जाम में हो रही है। 5 ईयर्स मतलब जितने लोग ने मेरे प्रीवियस वाले वीडियो देखे थे, सारे बच्चों ने मतलब उतना किया था, अगर आपने तो फोड़ दोगे पेपर आप। ओके, पेपर में आप आराम से 130 के ऊपर जा सकते हो, 130+। मैन्युअल स्टूडेंट अगर आप हो भाई, आपका सब कुछ कवर हुआ है क्लास में, लाइव क्लास में और क्लासरूम में, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने क्लास में इवन वर्कशॉप भी लेकर के बताया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है, मैंने इवन मार्क तक कराया कि बेटा ये पढ़ लेना, अब नहीं पढ़ोगे तो भैया गलती आपकी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। इंग्लिश पे पहले वर्क करते हैं। इंग्लिश में जो 10 क्वेश्चन है, आरसी में 2 आरसी, छोटा छोटा आरसी। हाँ, अब 3 ईयर्स में हो सकता है आरसी का लेवल थोड़ा बड़ा करते हुए, तो ऐसा मत सोचना कि सर छोटा, आपने तो बोला था छोटा आएगा, बड़ा आ गया आरसी। तो भाई 3 ईयर्स का पेपर इंग्लिश का टफ ही होता है कंपेयर टू 5 ईयर्स, ठीक है। तो वोकैब वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब चीज़ें हैं। तो वन बाय वन लेट मी डिस्कस। वोकैब में जो क्वेश्चन आया था, जैसे कि आपको पूछता हूँ एंटोनियम एक्सोनरेट का, ठीक है, इसके एनालिसिस में आज 5 ईयर्स के एनालिसिस आई मेक श्योर कि आज मैं सबको दे दूं, सो दैट 3 ईयर्स के बच्चे जितने भी हैं वो पढ़ाई कर पाए। वेरासिटी को लेके दिस इज द अनदर वर्ड, तो ये ग्रो थ्रू कर लेना। ट्रैम्पल्ड, ठीक है, बाकी आपका फिल इन द ब्लैंक्स यार इजी था, डूएबल था। इंग्लिश, इंग्लिश का सेक्शन मतलब आउट ऑफ 30 30 क्वेश्चन आते हैं 5 ईयर्स में, 25 के ऊपर आराम से फोड़ सकते हो, 22 से 25 मार्क्स। तो अब आपके एग्जाम में आएगा इंग्लिश 50 मार्क्स का, तो भाई 40+ तो जाना है अपने को, 40 45+। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप फोड़ दोगे, और अगर वीक है तो भी आप मैनेज कर लोगे। तो आपकी जो मैन्युअल की बुक है ना, इसमें से वो कैब कर लो। पैराग्राफ जंबल नहीं आया था बट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। बाकी आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनियम, सिनोनियम्स, एनालॉजी क्वेश्चन कर लेना, वो कैब वाला सेक्शन पूरा कर लेना है अच्छे से। इडियम एंड फ्रेजेस कर लेना, वहाँ से भी 2 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और आरसी तो रहेगा आपका, आपके एग्जाम में हाइडली 15 क्वेश्चन आएंगे आरसी के, 3 आरसी पकड़ के चलो रफली 15 से 20 के आसपास, ठीक है। बट हाँ, ये मेरा गट फीलिंग है कि वोकैब क्वेश्चन, वोकैब से पेपर भरा होगा, फिल इन द ब्लैंक से पेपर भरा होगा, तो वो आप अच्छे से कर लेना इंग्लिश में। बाकी जो मैंने बताया हुआ है सिमिलरली वैसा ही पेपर है अपना, मेन्यूअल का इनफैक्ट मॉक है ना। अगर आप 100 स्कोर लेके आ रहे हो तो आप रियल एग्जाम में 115 110 लेके आने वाले हो फॉर श्योर। ओके, तो इंग्लिश में आपको जो जो मैंने बताया इस पे काम कर लो। नेक्स्ट इज लॉजिक। देखो लॉजिक में यार उन्होंने सब कुछ पूछा, मतलब एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। अल्फाबेट टेस्ट पूछा, कोडिंग डिकोडिंग पूछा, ब्लड रिलेशन पूछा, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलॉग पूछा, इनइक्वालिटी नहीं पूछा था। इनपुट आउटपुट करके जाना, यू नेवर नो, ठीक है, इनइक्वालिटी और इनपुट आउटपुट। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट का मैट्रिक्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट आया था, एक तो फैमिली चार्ट वाला आया था, ठीक है, उसके भी एनालिसिस मतलब क्या क्या आए थे वो आज वीडियो मोस्टली हम पोस्ट कर देंगे, तो आप देख लेना वो वीडियोस, ठीक है। और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन एक आया था, तो कंक्लूजन मैं बोलता ही हूँ कि भाई कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन इंपॉर्टेंट है। नंबर लेटर सीरीज था, क्लॉक एंड कैलेंडर के 2 से 3 क्वेश्चन थे, बेटा कर लेना अच्छे से, ठीक है। और कोडिंग एक क्वेश्चन का मैंने बोला था कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके मैनुअल की बुक से कर लेना, ठीक है, तो उतना आप कर लेते हो तो ठीक है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन क्यूब डाइस एंड क्यूबॉइड नहीं आया था तो छोड़ सकते हो। हाँ, नॉन वर्बल रीजनिंग देख लेना यार, 2 क्वेश्चन आए थे, बट बहुत ही पप्पू लेवल का क्वेश्चन था, तो आप आराम से कर पाओगे। एनालॉजी, मिसिंग नंबर और क्लासिफिकेशन देख लेना। तो ओवरऑल लॉजिक वॉज अगेन डूएबल था। अगर आपने जो जो मैंने क्लास में, लाइव में भी और क्लासरूम में भी जो जो बताया हुआ है उतना अगर किया होगा या करोगे 3 ईयर्स वाले बच्चे, तो भाई आप फोड़ दोगे, ठीक है। अब आपने लास्ट मोमेंट पढ़ाई चालू की थी, 1 महीना हुआ आपको, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, जितना मैंने बताया हुआ बस वो कर लो आप, दैट्स ऑल, ठीक है। लीगल वाला भी एनालिसिस आज दे देंगे, लीगल जीके के क्वेश्चन थे ज़्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड। मैंने तो चिल्ला चिल्ला के बहुत बार बोला था कि पॉलिटी कर लेना, पॉलिटी कर लेना, क्वेश्चन वहाँ से भर भर के आए थे, ठीक है। बाकी आपका जो क्वेश्चन था लीगल में, लाइक चाइल्ड लेबर क्या होता है, BCI स्टैंड फॉर वॉट, ठीक है, वॉट यू मेंट बाई डाइवोर्स, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसके भी एनालिसिस लीगल को लेकर के वी विल बी गिविंग यू। बट हाँ, लीगल जीके के क्वेश्चन ज़्यादा थे कम्पेयर टू लीगल एप्टीट्यूड, फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन कम थे और लीगल जीके के क्वेश्चन ज़्यादा थे। बाकी यार जीके में अब
सीटी सेल ये कर रहा है कि स्टैटिक जीके ज्यादा फोकस में है कंपेयर टू करंट अफेयर्स। बेटा तो स्टैटिक जीके चालू कर दो आज से, मेन्यूर के पोर्टल पे सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस कल हमने पोस्ट कर दिया, जीके का जाके देख लेना कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो काइंडली स्टार्ट गोइंग थ्रू ऑल द वीडियोज, ऑल दी हैंडआउट्स एंड आपकी जो ये जीके वाली बुक है मेन्यूर की, अच्छे से गो थ्रू कर लो इसको, ठीक है? तो अगर आपके पास ये बुक है तो उसमें से प्रैक्टिस कर लो, ई बुक्स है तो उसमें से प्रैक्टिस कर लो। बट हाँ, इस साल के सीटी में ये मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना तो आप 130 के ऊपर कहीं नहीं गया, 130 प्लस है तो आप सीटी में टॉप मार सकते हो। बट अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको पेपर टफ ही लगने वाला है। लोग बोल रहे पेपर ईजी था, ईजी उनके लिए था जिन्होंने पढ़ाई की थी, जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, ठीक है? नहीं तो बाकी लोग खाली बातें कर रहे, आएगा स्कोर 50 60 मार्क्स 70 मार्क्स 80 मार्क्स, उसी में खुश हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला अपने को। अपने को एनी हाउ 110 120 130 प्लस जाना ही है अगर आपको GLC IELTS या दूसरे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। मतलब अभी तो ये समझ में आ गया है कि सीटी का पेपर अगर आपने, अगर आप इफ यू आर अ पार्ट ऑफ मेन्यूअर, तो मतलब जिस्ट ऑफ द पेपर मैं दे दूंगा आपको कि ये पढ़ ले निकाल देगा एग्जाम, और कुछ नहीं करना। तो लेक्चर्स में भी वी कीप ऑन डिस्कसिंग, मैं लास्ट एग्जाम के टाइम पे तो वर्कशॉप में लेता ही हूँ जस्ट टू टेल यू पीपल, ठीक है? तो फटाफट मेहनत करना चालू कर दो 3 ईयर्स में। अभी 10 दिन बचे हुए रफली, मैंने 10 दिन वाला प्लानिंग वाला वीडियो भी बना दिया था, गो एंड स्टडी दैट वीडियो, जो मैंने बताया हुआ है एग्जैक्टली वैसी टाइप का पेपर आपका आने वाला है। सो और हाँ, सेक्शन पेपर आपका सेक्शन वाइज है, सेक्शन उन्होंने ड्रॉप डाउन से आप चेंज कर सकते हो, सेक्शन पर जंप कर सकते हो, जंबल्ड नहीं है पेपर, तो उसको लेके टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो डेली बेसिस पे दो दो मॉक लिखो यार, 20 मॉक है उसको ख़त्म करो, और आपका लीगल के वाले क्वेश्चन देख डालो अच्छे से। उसके बाद आपका GK पे थोड़ा सा मेहनत करो, और कोई सेक्शन पे लग रहा है कि टॉपिक प्रॉब्लम है तो वो सब चीज़ें करो। बाकी आपके पास मॉक वगैरह GK का प्रोग्राम अगर नहीं है तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। सो वंस अगेन, अगर आपका स्कोर अभी भी 70 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, या तो 75 60 के आसपास है, जो जो मैंने बताया हुआ है, 10 डेज वाला मेरा वीडियो का वीडियो मैंने 2 दिन 3 दिन पहले डाल दिया था, तो जाके वो देख लो और पढ़ाई चालू कर दो आपकी, ठीक है? स्कोर आपका अच्छे से बनेगा, और जो एनालिसिस के वीडियोस 5 ईयर्स के आएंगे उसको भी अच्छे से देख लेना, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो आपके एग्जाम में, ठीक है? काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया, बहुत मेहनत किया है, पढ़ाई की है, अभी 10 दिन ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ फोकस रहना है, फालतू जगह जाना टाइम वेस्ट करो उसको कम करो, और ये माइंड में रखो कि मैं GLC जाऊँगा तो कितना अच्छा होगा, मैं IELTS जाऊँगा तो कितना अच्छा होगा, मतलब सपने भी अच्छे आने चाहिए ना अपने को, तभी तो पढ़ाई करने का मन करेगा, ठीक है? फुल फ्लेज में लग जाओ, और आफ्टर दी पेपर आई विल गिव द एनालिसिस, 3 ईयर्स में भी लिख रहा हूँ, सो एनालिसिस तो मैं दे ही दूंगा उसकी, ठीक है? और प्रिपेयर करो यार, सो दैट वी कैन क्रैक द एग्जामिनेशन विद द गुड स्कोर, काफ़ी मेहनत की है हमने, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।